तो फिर 2016 में मैं किसी कारण इंडिया आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे यहाँ पे काम करना चाहा, क्या इंटरेस्ट लिया, तो उसके बाद फिर मैंने पोल्ट्री की ट्रेनिंग लेके 2018 में पोल्ट्री का काम शुरू किया। तो जो पिछले साल मेरे पास सिर्फ 1000 बर्ड थे, तो उसमें लगभग मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ नेट प्रॉफिट आ जाता है। नमस्कार भैया, मैं परेश कुमार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे नौजवान भाई से मिलाने जा रहा हूँ जो इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में जॉब करते थे, इंग्लैंड छोड़ के जॉब छोड़ के वापस हिंदुस्तान आए, अपने ज़मीन से जुड़े, यहाँ पर इन्होंने अपना देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करा और आज इससे अच्छा खासा इनकम ये ले रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना एक परिचय दें। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं खाऊं खेड़ी मंडला डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से हूं और मैं सेहतमंद एग्रो फार्म नाम से देसी पोल्ट्री फार्म चला रहा हूं पिछले 5 साल से। सर जब आपने काम स्टार्ट किया, आपको चुनौतियां समस्याएं आपको क्या क्या आई इसमें? चुनौतियां तो ऐसे था कि जैसे मैं पहले पढ़ता ही था, 18 साल का था, तो बाहर चला गया तो वहाँ पर 5-6 साल रहा, तो इस तरह मुर्गी के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं था। तो पहले मैंने इसके बारे में सर्च किया कैसे इसको रखना है, कैसा रख रखाव है, तो उसमें मैंने काफ़ी इधर उधर से ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद काम शुरू किया। ये मेन था, उसके बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं आई था। सर जैसे आप इंग्लैंड में रहे तो आपने अच्छा खासा पैसा भी अर्न किया होगा जी, और लेकिन आपने छोटे स्तर का काम क्यों चुना है? मुर्गी पालन आप कुछ भी कर सकते थे, गाड़ी घोड़ा कुछ भी खरीद सकते थे, बड़े स्तर पर कुछ भी आप काम अपना स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपने मुर्गी पालन कैसे स्टार्ट करा, उसका विचार आपको क्यों आया? जैसे कि अभी व्हाइट लेयर का है जो बहुत ही बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और उसमें मार्जिन बहुत ही कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अभी हम देसी मुर्गी का काम, इसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है पर कोई बड़े लेवल पे कोई लोग फार्म नहीं चला रहे हैं, तो इसमें हमें एक लो इन्वेस्टमेंट में हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया काम और एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हमें इनकम आना इससे स्टार्ट हो जाता है। खासियत क्या है सर इन बर्ड की? ये जो RIR है ये बहुत ही हमारा देसी बर्ड है, इसकी जो इम्यूनिटी है बहुत ही स्ट्रांग है और साथ में अंडे देने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। और जो ये आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये एक नई ब्रीड बनाई है कैरी सोनाली ने क्रॉस करके, तो इसको ये हम सिर्फ अभी पहली बार हमने रखा है एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे प्रोडक्शन आती है, क्योंकि इसकी एक प्रोडक्शन RIR से भी बेटर है जैसा वो बोलते हैं, बाकी हम जैसे परफॉर्मेंस आएगी उसके हिसाब से देखेंगे नेक्स्ट ईयर कैसा है। तो मनप्रीत जी अगर बैकग्राउंड की बात करें आपका, जो पिछले जो पास्ट रहा है, क्या पास्ट रहा है आपका वो? जैसे मैं स्टडी के बाद 18 साल का था तो लगभग 2011 में फिर मैं UK चला गया था, वहाँ पर मेरी 1.5 साल की स्टडी थी, उसके बाद फिर मैं जॉब लग गया था। तो फिर 2016 में मैं किसी कारण इंडिया आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने जैसे यहाँ पे काम करना चाहा, क्या इंटरेस्ट लिया, तो उसके बाद फिर मैंने पोल्ट्री की ट्रेनिंग लेके 2018 में पोल्ट्री का काम शुरू किया। लेकिन जैसे आप गांव में रह रहे हैं सर, तो साधन ही है मार्केटिंग का इतना, तो आपको विचार नहीं आया कि भाई मैं अपना माल कहाँ बेचूँगा, फार्म तो मैं डाल रहा हूँ, गाँव में पॉपुलेशन भी नहीं है, कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जी, तो उस तरह से जब आपको ये आइडिया आया तो ये मन में था विचार आपके, नहीं था इस तरह का? हाँ, ये तो पहले होता ही है कि मान लो अभी आपके एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो किस मतलब कैसा चीज़ खाते हैं, कैसा बना, इस चीज़ को ध्यान में रखते ही हमें काम शुरू करना चाहिए। तो हमारे एरिया में जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे गांव के पास ही शहर लगते हैं 2-3, बहुत ज़्यादा दूर भी है, तो हमारी वहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, बाकी आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से हमारे से माल ले जाते हैं। तो कितनी बर्ड्स आपने शुरुआत करी थी? ये मैंने सिर्फ 100 बर्ड्स से स्टार्ट किया था। क्या खर्चा आया था आपको स्टार्टिंग में? उस टाइम सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास मुझे खर्च लगा था। और आज कितने बर्ड हैं सर? अभी मेरे 1500 बर्ड हैं। ब्रीड की बात करें, ब्रीड कौन सी आपके पास है? ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं हमारे शेड में, ये RIR है और ये व्हाइट कलर के जो बर्ड हैं ये कैरी सोनाली है। आपका स्टार्टिंग में 100 बर्ड थे और आज 1500 बर्ड हैं, मुनाफा कितना आप ले रहे हैं अभी? अभी जो पिछले साल मेरे पास सिर्फ 1000 बर्ड थे, तो उसमें लगभग मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ नेट प्रॉफिट आ जाता है। दूसरा जो अंडा है, आप अंडे के लिए रखे हैं या मीट के लिए आपने रखे हुए हैं? जो ये RIR और ये सोनाली है ये हम अपने अंडे के लिए काम करते हैं, जो हमारा WFG ब्रीड है थोड़ा रखते हैं अलग शेड में, वो हम मीट के लिए सेल करते हैं। आपने तो सर मार्केट अपनी बना ली है, आप अच्छे खासा स्टैंड है, लेकिन जो युवा स्टार्ट करना चाहता है वो डरता है भाई माल कहाँ बेचेगा वो, तो उनको कुछ ऐसी टिप्स दो ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। देखिए, मार्केटिंग का ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है, अगर हम फार्म सेटअप करते हैं तो हम फार्म की बजाय पहले मार्केट में जाएं। आप जहाँ से आप रहने वाले हो वहाँ की मार्केट में जाओ, या गाँव है या शहर है या बड़ा शहर है, वहाँ पर देखो आपकी वहाँ पर क्या चीज़ बिकती है और क्या रेट पर बिकती है। अगर आप उस कॉम्पिटिशन में आ सकते हो और उनका माल सप्लाई कर सकते हो तभी आपको फार्म ले में आना चाहिए। अगर आप मान लो कि अभी 10 रुपये अंडा सेल हो रहा है, अगर आप उनको 10 या 9 रुपये में देंगे तो आपसे खरीदे, अगर आप वही अंडा उनको जाके 12 रुपये में सेल करोगे तो हमसे कोई नहीं लेगा। तो पहले आप मार्केटिंग में जाइए, तो वहाँ पे देखिए भी किस चीज़ की डिमांड है और क्या रेट पे सेल हो रहा है, तो क्या आप वही रेट पे जब से थोड़ा सा कम करके उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, तब आप इसमें पोल्ट्री में आएँ।
फार्म की जो लागत है उसको कैसे कम कर सकते हैं, मुनाफे को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम पहले बताया कि हमें मार्केट 6 से 7 रुपये पहले फीड सस्ती पड़ रही है, ऐसे ही अगर हम मार्केट का फीड लेते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। उसके बाद हम जैसे अभी आजकल काफ़ी अजोला चल रहा है या मुरिंगा का चल रहा है, वो भी हम करते हैं, मुरिंगा हमारे पास है, उससे फीड कॉस्ट कम हो जाती है। और साथ में अगर फ्री रेंज कर दे तो उसमें ऐसा होता है कि बड़े बीमारी भी नहीं आती, बर्ड बाहर धूप में जाता है, अगर मोर्टैलिटी कम होगी तो डेफिनेटली आपकी जैसे कॉस्ट कम होगी। अगर कुछ बर्ड आपके 2-4 महीने खा के मर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। नहीं, स्टार्टिंग में भाई जैसे बर्ड मर जाते हैं लोगों के, बीमारियां आ जाती हैं, सेलिंग नहीं होती, इस तरह की क्या आपको चुनौती आई थी, समस्या? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैंने बर्ड के बारे में सीखा तो उसके वजह से मेरी मोर्टैलिटी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो सेलिंग का तो ऐसा था कि जैसे छोटे लेवल पर स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता था, जैसे जो लड़के थे जिम वाले वो भी मेरे फ्रेंड्स थे तो वो ले जाते थे आगे से आगे और पता चलता था तो आसानी से सेल हो जाता था, सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कोई गरीब फार्मर है तो वो किस तरह से शेड बना सकता है अपनी? उसके बाद अभी देखो अगर आपका सोर्सेज क्या है, अगर आपके एरिया में बांस है, जैसे कुछ एरिया में हमारा यूपी बिहार में बांस सस्ता मिल जाता है तो उस बांस का या उसका या जटीन चद्दर का शेड बनाना चाहिए। पर उसमें एटलीस्ट ऐसा हो कि अगर आंधी तूफान को वो झेल सके, ऐसा ना हो कि पैसा जाने के चक्कर में इतना बेकार शेड बना लेगी एक और आंधी तूफान आया तो और ज़्यादा लॉस हो जाता है। सर 2018 में आपने स्टार्ट करा जी और आज 2022 चल रहा है, खुश हैं अपने काम से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, काम बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं वहाँ से बाहर था, मैं अकेला रहता था तो यहाँ पे आके हम फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे सुबह शाम यहाँ पे लेबर भी है, हम भी काम करते हैं, हमारी वाइफ भी है वो भी थोड़ा हेल्प करती है, तो एक तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं और सभी को एक इनकम भी होती है ऐसे ही, ये चीज़ है। दूसरा मेरे को ये बताइए, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है सर तो कितनी बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए और कितना वो मुनाफा ले लेगा? देखो बाकी अगर कोई प्रोफेशनल तौर पे स्टार्ट करना चाहता है, जो मेन इसमें आना चाहता है कि हमें से इनकम हो, तो कम से कम 500 बर्ड हो तो थोड़ा उसको इनकम आना अच्छे से चालू हो। अगर 50-100 से करता है तो इतना इनकम नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, तो कम से कम 500 बर्ड रखे तो जिसमें थोड़ा सा मुर्गा निकल आता है, 2-4% मोर्टैलिटी हो जाती है तो ऐड दिए 5-4 मंथ के बाद आपके पास 450 या 450 कुछ बर्ड अच्छे बच जाएँ। अभी फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? फ्यूचर में इसी को आगे बढ़ाने का है, जैसे अभी हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन है तो और भी इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो हम जैसे फार्म सेटअप करने में भी लोगों की हेल्प करते हैं, कोई नया हमसे चिक्स लेता है उसको चिक्स प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है फार्म में तो फोन पे पूछ लेता है, अगर नज़दीक होता है तो फार्म विजिट भी कर लेते हैं। तो आपने अपना ब्रांड भी बनाया हुआ है? जी जी। किस नाम से सर? सेहतमंद देसी एग्स से हमारा ब्रांड है। ओके जी। और रजिस्टर वगैरह आपने प्रॉपर किया हुआ है? हमें जैसे फसाई का लाइसेंस हो गया, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती है वो हमारा सभी कम्प्लीट है इसमें। सर अंडा जो है किस रेट का आप सेल कर रहे हैं? जैसे हम लोकल तो हमारा 10 रुपये सेल होता है, पर जो हम जो दूर हमारा अंडा जाता है शॉप्स वगैरह पे तो वो हमारा 12.5 रुपये जाता है। अगर कोई गांव में रहता है बंदा तो शॉप्स वगैरह शहर में जो है वहाँ पे जाके अपनी मार्केट बना सकता है वो? जी जी। एरिया क्या है सर आपके शेड का? ये हमारा 1500 स्क्वायर फीट एरिया का है, बाकी उसके बाद ब्रूडिंग एरिया हमारा अलग से है। क्या खर्चा आया था आपको उसको शेड को बनाने में पूरा? ये उस टाइम लगभग 2.5 लाख के आसपास शेड पे हमारा लगा, कि बहुत बहुत ही मजबूत हमने शेड बनाया हुआ है पाइप लगा के सीमेंट के साथ। फीड में आप क्या खिला रहे हैं इनको? फीड हम खुद की फीड बनाते हैं तो उससे हमें लगभग मार्केट से 6 से 7 रुपये सस्ती पड़ जाती है, तो हमें उससे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो क्या क्या डालते हैं फीड में आप? उसमें जैसे हम ग्रेन्स डालते हैं, मक्का हो गया जी, बाजरा हो गया, बाकी अभी गेहूं की वेस्टेज थी हमारे खुद की फार्म की खेती बाड़ी की वो हम डालते थे, बाकी चावल का जो छोटा पीस होता है वो आ जाता है। सर अक्सर देखा गया है जो युवा हैं हमारे 20-30 हज़ार रुपये के लिए शहर जाते हैं, गांव छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो सर? नहीं देखिए, जॉब भी करना चलो कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति बिजनेस, पर उसमें ऐसा होता है जैसे मान लो अब जॉब में ऐसा है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसा आएगा, चाहे अभी जैसे लॉकडाउन लगा था बहुत लोगों की जॉब चली गई, जैसे अभी हमारा जो बिजनेस है चाहे आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे, अगर आपका एक अच्छा गोल है उसमें बड़ा फार्म अचीव करने के लिए तो आपका ये कि फैमिली बिजनेस बन जाएगा, आपके आने वाले बच्चे हैं या वो भी इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं जी। आप घर बैठोगे तब भी आपके लेबर काम करे तब भी आपको पैसा आएगा इसमें से, अपने बिजनेस का ये फायदा होता है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।